मोहन भागवत के नहीं डरने वाले बयान का मौलाना यासूब अब्बास ने इस्तकबाल किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुगल या किसी दूसरे को नहीं बल्कि इस्लामी शख्सियत को ही अपना आइडल मानता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई। बल्कि हमारा यहाँ आदर्श माना जाता है, रसूल इस्लाम को आदर्श माना जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन्होंने करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और उसके पंचिनों पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी और जब 100 काल मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं।